मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जैसे हर रोज़ लेके आती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग मेरी एक बात नहीं मानते, मुझे कमेंट करके कुछ बताते नहीं कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो अच्छी नहीं है, या फिर क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस चाहिए, या फिर एक्सेट्रा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दिया करिए। मैं आप लोग से हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन आप बताते नहीं। तो प्लीज़ बता दिया करें ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई वीडियो में दिक्कत होगी तो मैं उसे सुधारूंगी। तो लेकिन प्लीज़ आप लोग बता दिया करिए, बस मैं इतना बोलूँगी। तो आज हम बढ़ते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज मैं फिर से कुछ जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे ये प्लेस के नाम, ये पॉलिटिक्स, मतलब जीके में हर तरीके के क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ। ये नहीं कि अगर एक क्वेश्चन है तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स से होगा, एक क्वेश्चन है तो स्पोर्ट्स, सारे मिक्स होते हैं। मैं ऐसे नहीं लेके आती, मैं सारे मिक्स लेके आती हूँ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? तो 1971 में, 1971 में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? म्यूज़ियम तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, मतलब ऐसे शीशे में पैक करके बहुत सी ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ही मतलब एक्सेट्रा। अब आप लोग समझ लीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? इंडियन म्यूज़ियम, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में जो म्यूज़ियम है इंडियन म्यूज़ियम, वो भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो नागपुर में है। बाय द वे, आप लोग कोई ऐसे भी इसमें स्टूडेंट होंगे जो नागपुर में होंगे, या फिर जो कभी नागपुर गए होंगे तो शायद देखा होगा, और जो नहीं देखे हैं अगर नागपुर जाएं तो उसे देखें। तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? जेलीफिश के बारे में आप लोग सुना होगा, तो किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो वो है आरीलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसने किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसने किया था? तो वो है स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया को कब मजदूरी दी गई? कलर चेंज कर लेते हैं, डेली बाय डेली एक ही कलर से। तो कब दी गई? 6 जनवरी 2016 को दी गई थी स्टैंड अप इंडिया को मजदूरी, 6 जनवरी 2016 को दी गई थी। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त की थी? किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो हैं जीवक जी आयुर्वेदाचार्य हैं जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे।
आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो वो 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? कोशिका बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे कोशिका किसे कहते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी जानते होंगे जो कि पढ़े होंगे। तो कोशिका, कोशिका सेल को बोला जाता है। तो कोशिका का सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वुमेन्स डे जिसे कहा जाता है? तो वो 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ नंबर को नोटिस मत करिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी 1 2 3 4 लिखा है, इसमें भी 1 2 3 4 लिखा है, तो आप लोग वो सब नोटिस ना करें। तो देखते हैं आगे। भारत में श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत भारत क्रांति के जनक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। किस वर्ष इजराइल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष इजराइल की स्थापना हुई थी? तो सन 1948 में हुई थी। आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। देखते हैं आगे। गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका तेलंगाना में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष, कौन से साल में लॉन्च किया गया था? तो 2005 में किया गया था। आगे देखते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ, मतलब 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये फरवरी में जो आते हैं, ये वैलेंटाइंस डे के सारे डेट्स, मदर्स डे, फादर्स डे, मतलब बहुत से जितने भी सारे आते हैं, बहुत लोग ऐसा मानते होंगे। मैं भी कुछ चीज़ों को मानती हूँ, कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करती हूँ। तो खैर, वैलेंटाइन डे वगैरह तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन शायद आप लोग को पता होगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अलावा भी कुछ होता है। तो आप लोग में से बहुत लोग को पता होगा, तो इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि पढ़ाती कम, क्वेश्चन बताती कम और बात ज़्यादा करती हैं। देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो 15 होती है, 15। ठीक, देखिए आगे।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो नैरोबी में स्थित है। देखते हैं आगे, अलेप्पो शहर किस देश में है? तो वो आपका सीरिया में है। सीरिया में अलेप्पो शहर पड़ता है। आगे, किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से संबंधित है? तो वो है क्रीमिया युद्ध से संबंधित है। इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन 21। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो वो 65 ईयर्स। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम आप लोग के लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।